दो दिनों बाद यानी रविवार को नवरात्र की शुरुआत के साथ ही शहर से लेकर गांव तक दशहरे का धूम हर वर्ग में कायम हो जाता है। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा की पूजा प्रारंभ हो जाती है। मगर कुछ असामाजिक तत्वों एवं मंचरों द्वारा ऐसे ही मौके पर छीना झपटी, छेड़खानी, मारपीट जैसी कई अन्य वारदातों को अंजाम दिया जाता है। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा इस मौके पर पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रहे इस बात को लेकर आज जिला समारोह कक्ष में जिला अधिकारी राघवेंद्र सिंह एवं पुलिस कप्तान उपेंद्रनाथ वर्मा के नेतृत्व में बैठक किया गया, जिसमें जिले के सारे वरीय पदाधिकारी एवं सारे थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। जिला अधिकारी एवं पुलिस कप्तान द्वारा सभी पदाधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए तथा उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि हर हाल में सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए, जिससे कि आम जनता को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। वहीं इस बैठक में दुर्गा पूजा के बाद शहर के किला मैदान में रावण वध का कार्यक्रम होता है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग इस रावण वध को देखने के लिए भाग लेते हैं, जिसको लेकर भी इस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए ताकि किसी अनहोनी को होने से रोका जा सके। साथ ही इस दशहरे के अवसर पर पुलिस कप्तान उपेंद्रनाथ वर्मा ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस पर्व को सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं एवं आपसी भाईचारे को बनाए रखें। संजीव उपाध्याय के साथ राज रंजन की रिपोर्ट, CNB न्यूज बक्सर। मुख्यतः कितनी अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की जा रही हैं, कितने लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता के निवारक प्रावधानों के अंतर्गत जो है बंद पत्र भरा जा रहा है, पूजा समितियों को अनुज्ञप्तियाँ लेना अनिवार्य है, पूजा समितियों जहाँ भी स्थापित हों उनके पंडाल की सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा इत्यादि जैसे मसले हुए, और सबसे बड़ा बक्सर में रावण वध एक बड़ा कार्यक्रम होता है, लगभग 50,000 की संख्या में भीड़ जुटती है, उसको लेकर भी वार्ता हुई है कि उस कार्यक्रम को कैसे बेहतर किया जा सके और लोगों की सुरक्षा इत्यादि का कैसे सुरक्षा प्रावधानों को बढ़ाया जा सके कि बिना किसी अप्रिय घटना के पूरा पर्व जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। दशहरा को लेके सभी थाना प्रभारी से पूर्वाभास प्रतिवेदन की मांग की गई है और उन्होंने कुछ कुछ दिया भी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेपुटेशन करने वाले हैं। सभी थाना प्रभारी से भी समस्याएं सुनी गई, उनके यहाँ किस तरीके का आयोजन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ज्वाइंट ऑर्डर निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ जो पीस कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने भी कुछ कुछ सुझाव दिए, तो उस सुझाव पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग हम लोग डेपुटेशन भी प्लान कर रहे हैं। पूजा के पूर्व में जो छिनतई की घटनाएँ बढ़ जाती है तो उस संबंध में भी थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रेंट वेरिफिकेशन को लेके भी बोला गया है, खास करके जो शहरी क्षेत्र हैं उन क्षेत्र के थानेदारों को स्पष्ट किया गया है कि जो भी शहरी क्षेत्र में रेंट पे लोग रहते हैं उनका वेरिफिकेशन मकान के जो मकान मालिक हैं उनके द्वारा करवा लें और उसका एक कॉपी अपने थाना में जरूर रखें। सर, दुर्गा पूजा को लेकर के क्या संदेश दे सकते लोगों के लिए? लोगों के लिए हम प्रशासन की तरफ से यही संदेश रहेगा कि शांतिपूर्ण ढंग से पूजा मनाएं और सभी लोग आपसी भाईचारे को मेंटेन रखें। आने वाले लोग या जो भी है पकड़ा जा सकता है, तो वहाँ पे पदाधिकारी शिफ्ट वाइज लगाना सुनिश्चित कर दिया, वो नंबर का एकदम फिक्स कर दीजिए, वो लगातार समय देखे दो दो घंटा पे लगातार निकले और स्वस्थ होने के नाते हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सहयोग करेंगे और एक्चुअली यह सहयोग हम सबों के लिए है। हम सब चाहते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल में ही फेस्टिवल का आयोजन किया जाए, उसके लिए हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। जो भी सभी तरह के जो भी स्टेप है वो उठाए जा रहे हैं, पैराटन स्टिक जो भी दोनों चीज़ें किया जा रहा है, और लेकिन इतने बड़े आयोजन को बढ़िया ढंग से मेंटेन करने के लिए शांति समिति के सदस्य या समाज के जो भी सदस्य हैं जो भीड़ को टैकल कर रहे हैं अभी भी, चाहे वो राजनेता हो या
से भी हो या आप लोग सहयोग करेंगे तभी जो भी दुर्गा पूजा या आगे छठ दीपावली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेगा। इसके लिए सबसे पहले जरूरत